Now here we are going to discuss another important fruit crop, diseases, insect pests and physiological disorders. तो अब हम grapes यानी अंगूर के जो मुख्य रोग होते हैं और जो उसमें कीट लगते हैं, insects लगते हैं, physiological disorders लगते हैं, उनको हम discuss करेंगे. So let's start. The first important disease in grapes is powdery mildew. तो अंगूर में जो सबसे पहला प्रमुख रोग है वो है powdery mildew. ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है. जो अंगूर होते हैं बेसिकली अंगूर में पाउडरी मिल्ड्यू भी लगती है और डाउनी मिल्ड्यू भी लगती है. तो अभी हम पाउडरी मिल्ड्यू को डिस्कस कर लेते हैं. पहले ये एक फंगल डिसऑर्डर डिसीज है जो कि फंगस के थ्रू होती है और फंगस का साइंटिफिक नेम है इर्सिफी निकेटर या फिर इसका एक और नाम है अनसीनुलर निकेटर. ठीक है, पुराना नाम है ये इर्सिफी, इसके अलावा अनसीनुलर निकेटर इसका न्यू नेम है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. अब ये जो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज होती है इसके सिम्टम्स तो बहुत ही बेसिक सिम्टम होते हैं. नाम से क्लियर है पाउडरी मिल्ड्यू. तो पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि लीव्स में आप देख सकते हैं फिर लीव्स में और फ्रूट्स में किस तरह की पाउडरी ग्रोथ हो रही है. पाउडरी वाइट कलर का फंगल इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है. ओके, इट अपेयर एज अ डस्टी वाइटिश ग्रे या फिर ग्रीनिश वाइट कोटिंग ऑन द लीव सरफेस और अदर अबव द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. तो बेसिकली जो पाउडरी मिल्ड्यूज का सिम्टम डेवलप होता है ये पत्तों पे आता है, लीव्स में आता है और स्पेशली लीव्स का जो अपर साइड होती है अपर साइड में ज़्यादा सिम्टम्स शो होते हैं. द डिसीज इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव बट कैन ऑल्सो अफेक्ट द लोअर सरफेस. लोअर सरफेस में भी नो डाउट हो जाती है ग्रोथ फंगस की, लेकिन इसके सिम्टम्स की जो पाउडरी ग्रोथ होती है वो ज़्यादातर अपर सरफेस में ही दिखाई देती है. इसके अलावा यंग स्टैम बर्ड फ्लावर सारे पोर्शन में ये फंगस की ओर फैल जाती है. इसके अलावा सीवियरली इन्फेक्टेड लीव्स में एग्जिबिट मोटलिंग एंड डिफॉर्मिटी इंक्लूडिंग लीव कर्लिंग एंड विदरिंग. जिसके बाद आगे चल के क्या होता है लीव्स में प्रॉपर फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण लीव्स में कर्लिंग होने लगती है, लीव्स ड्राई हो जाती है, विदर कर जाती है. इन्फेक्टेड फ्रूट टर्न्स ग्रेश वाइट एट फर्स्ट एंड अल्टीमेटली एग्जिबिट ब्राउन रिजल्ट अपीयरेंस. अभी तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि फ्रूट में भी वाइटिश कलर का वाइटिश ग्रे फंगस ग्रो हो चुकी है, लेकिन बाद में जब सीवियर कंडीशन बनी रहेगी तो ये कलर चेंज हो जाएगा रस्टेड या ब्राउन रस्टेड कलर का. इन्फेक्टेड फ्रूट्स में क्रैक फ्रूट्स में क्रैकिंग हो सकती है, शिवर कर सकते हैं एंड ड्रॉप फ्रॉम द क्लस्टर और अपने जो अंगूर का गुच्छा होता है उसमें से अंगूर गिर भी सकते हैं. ये सिम्टम था पाउडरी मिल्ड्यू का. पाउडरी मिल्ड्यू का मैनेजमेंट भी बहुत ईजी होता है. सबसे पहला होता है प्रोटेक्ट ग्रेप फॉलिएज फ्रॉम द प्राइमरी इन्फेक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड. तो यहाँ पे हम फंजीसाइड जो अप्लाई करते हैं दैट इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम अर्ली शूट्स ग्रोथ अंटिल आफ्टर ब्लूम. तो शूट्स से लेकर ब्लूमिंग यानी फ्लावरिंग इंफ्लोरेसेंस आने तक हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे हम स्प्रे कर देते हैं. इसके अलावा क्योंकि पाउडर मिल्ड्यू में सबसे अच्छा ही जो इलाज होता है रामबाण इलाज जो होता है वो होता है सल्फर फंजीसाइड का. तो सल्फर फंजीसाइड्स होते हैं जैसे सल्फिक्स हो गया या फिर कैराथीन हो गया, इसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं 6 ग्राम पर 10 लीटर ऑफ वाटर के साथ इसको हम अप्लाई करते हैं. तो पाउडर मिल्ड्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है मैनेजमेंट वो सल्फर फंजीसाइड्स का होता है. नेक्स्ट वी डिस्कस द डाउनी मिल्ड्यू. अब अंगूर में हमने पाउडरी मिल्ड्यू डिस्कस करी थी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाउनी मिल्ड्यू डिसीज. ये भी अगेन फंगस के थ्रू ही होता है. ठीक है, इससे पहले जो पाउडरी मिल्ड्यू था वो भी फंगस के थ्रू था पर उसका फंगस का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है. अब डाउनी मिल्ड्यू है ये भी फंगस के थ्रू होता है और यहाँ पे फंगस का साइंटिफिक नेम है प्लाज्मोपारा विटिकोला. ओके, प्लाज्मोपारा विटिकोला जो फंगस होती है ये बेसिकली ग्रेप्स में डाउनी मिल्ड्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अब ग्रेप्स के डाउनी मिल्ड्यूज के सिम्टम्स होते कैसे हैं, अभी हमने जो पाउडर मिल्ड्यू डिस्कस करा था उसमें हमने देखा कि पत्ते के अपर सरफेस में वाइट कलर का फंगल ग्रो करता है वाइटिश पाउडर कलर का. डाउनी मिल्ड्यू में भी सेम वही सिम्टम्स अपेयर होते हैं बट वो पत्ते के नीचे वाले सरफेस में आते हैं, अपर सरफेस में ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं लेकिन जो पाउडरी ग्रोथ होती है वाइट फंगल ग्रोथ वो पत्ते के नीचे सरफेस में आती है, जबकि पत्ते का जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसमें लाइट ग्रीन स्पॉट्स बन जाते हैं. वैसे तो पत्ता खुद ही ग्रीन रंग का होता है, हरे रंग का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक होता है ग्रीन, उसके ऊपर हल्के हल्के लाइट ग्रीन कलर के स्पॉट्स जो आपको आसानी से फिगर में दिख सकते हैं. वैसे तो ये येल्लो स्पॉट्स हैं, होता क्या है कि ग्रीन स्पॉट्स बाद में येल्लो कलर में चेंज हो जाते हैं. पहले हम सिर्फ सिम्टम्स को रीड आउट करते हैं. डाउनी मिल्ड्यू अटैक
all green parts of the grapevine. On the young leaves in spring, the disease will appear on the upper surface as yellow spots. तो स्टार्टिंग में येलो स्पॉट्स बन जाते हैं, विच आर रिफर्स देयर ऑयल स्पॉट्स. ठीक है, ये येलो स्पॉट्स बाद में बनते हैं, पहले स्टार्टिंग में जब स्पॉट्स बनते हैं वो लाइटिश ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत ही हल्की लाइट ग्रीन कलर का स्पॉट बनता है जो कि बाद में येलो हो जाता है और ऐसा ऑयल स्पॉट की फॉर्म में वो अपेयर होता है. एज द इनलार्ज दे में अपेयर टू कवर मोस्ट ऑफ द लीव, पूरी की पूरी लीव देख सकते हैं येलो स्पॉट से बाद में कवर हो जाती है. स्पेशली देयर आर मोर देन वन स्पॉट ऑन द लीव. On red varieties, the oil spots can be appear red. अब अंगूर की दो तरह की वैरायटी आपको पता है, एक होती है ग्रीन जो हरे रंग के अंगूर होते हैं और एक वाली वैरायटीज जिसमें लाल रंग के अंगूर आते हैं. उन वैरायटीज में जो स्पॉट्स होते हैं वो रेड कलर के बनते हैं. दीज ऑयली पैचेज में स्प्रेड इन टू द लीफ स्टॉक विच टर्न्स ब्राउन एंड मे डाई. अब यही ऑयली पैच लीफ से जाके लीफ में फैलते फैलते पहुँच गया लीफ के स्टॉक में, जो कि उसको भी खराब करेगा, लीफ स्टॉक भी खराब हो जाएगा. After warm humid nights, these oily patches may also sporulate and covered with white growth. बाद में ये क्या होगा, जैसे जैसे temperature suitable मिलता जाएगा, fungal sporulate करेगा तो ये white color में convert हो जाएगा. Infection on the inflorescence, young berries and bunches are seen as oily brown area. तो same ये infection जो है पहले leaves में पहुंचा, फिर stems में जो लीफ स्टॉक होता है वहाँ पे गया, फिर उसके बाद जो इन्फ्लोरेसेंस एरिया है फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज करता है. आफ्टर सुटेबल वार्म ह्यूमिड नाइट दे मे बी कवर्ड विद अ वाइट ब्राउन ग्रोथ. इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस इन द यंग बंचेस रैपिडली टर्न ब्राउन एंड विदर्स. पूरा का पूरा प्लांट जब सड़ने लगेगा तो कैसा कलर हो जाएगा, उसका ब्राउन कलर का हो जाएगा, सूख के वो खराब हो जाएगा. इन्फेक्टेड यंग बेरीज स्टॉप ग्रोइंग हार्ड एंड मे लेटर डेवलप एज पर्पल ह्यू. ठीक है, अब जो आप उसका गुच्छा देख सकते हैं, ये बाद में जब सीवर इन्फेक्शन बना रहेगा तो जो अंगूर बेरीज हैं वो छोटे और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और पर्पल ह्यू वहाँ पे डेवलप होगा. दे टर्न डार्क ब्राउन शिवल एंड फॉल फ्रॉम द बंचेस. उसके बाद ये जो अंगूर के गुच्छे हैं, अंगूर उसमें से झड़ने शुरू हो जाएंगे. तो ये होता है डाउनी मिल्ड्रूव के सिम्टम्स. अब बात करते हैं यहाँ पे इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की. डाउनी मिल्ड्रूव के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फंजीसाइड्स का, तो एलाइट. ठीक है, एलाइट जो है, एलाइट ये सिस्टमिक फंजीसाइड्स है. इसके अलावा दूसरे फंजीसाइड्स में कैप्टन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी आता है, मैंकोजैप मेनजैप जीराम, ये सारे फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं. एंड दे शुड बी अप्लाइड जस्ट बिफोर ब्लूम. ठीक है, फूल आने से पहले हमको अप्लाई करना होगा. 7 to 10 days लेटर, मतलब ब्लूमिंग से 7 to 10 days, 7 to 10 दिन पहले अप्लाई करेंगे. देन 10 to 14 days आफ्टर दैट एंड फाइनली 3 weeks आफ्टर द थर्ड एप्लीकेशन. तो इसको हमें एक बार स्प्रे नहीं करना है, इसको हमें कुछ डेज इंटरवल में स्प्रे करते रहना है. फॉर कल्टीवार्स वेरी ससेप्टेबल टू डाउनी मिल्ड्रू और वेयर द डिसीज वॉज सीवियर द प्रीवियस सीजन एंड additional application is suggested about 2 weeks before the first bloom open. Okay, अगर कोई ऐसा field है जहाँ पे हमने कोई ऐसी variety cultivate करी है जो downy mildew के लिए susceptible है, तो वहाँ पे हमको ये spray करना होगा 2 weeks before the first bloom open. पहले जो blooming यानी inflorescence आने से 2 हफ्ता पहले ही हमको ये spray करना होगा fungicides का. जो भी हमने fungicides पढ़े हैं ये fungicides का spray करना होगा. So this is the management option for controlling the downy mildew disease in grapes. Next we discuss the important physiological disorder in grapes. So अंगूर में जो important physiological disorder है, that is hen and chicken disorder. अब इस disorder का एक नाम और है, that is Miller and Dage. तो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर का ही दूसरा नाम है मिलर एंड डेज, याद रखना है आपको. अब ये डिसऑर्डर क्या है, कैसे होता है, फिगर में सबसे पहले देख लो, सिम्टम्स आपको प्रॉपरली समझ में आ रहेंगे. इसमें देखो अंगूर कुछ तो बड़े हैं, कुछ अंगूर गुच्छों में छोटे हो रहे हैं, साइज जो है डिसबैलेंस्ड हो चुका है. ठीक है, ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हैन एंड चिकन डिसऑर्डर, जो कि अंगूर में होती है, ग्रेप्स में होती है. रीज़न क्या है, द रीज़न बिहाइंड इज बोरोन डिफिशियंसी. बोरोन की कमी जब हो जाएगी, जैसे इन फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी ग्रेप्स को ऐसी सॉइल में कल्टीवेट करा है जहाँ पे सॉइल ही बोरोन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली है, इट इज़ ऑब्वियस कि सॉइल में बोरोन नहीं है तो फ्रूट्स में भी बोरोन डेफिशिएंसी होगी, और बोरोन डेफिशिएंसी के कारण हैन एंड चिकन डिसऑर्डर हो जाता है.
सिम्टम्स आपको क्लियरली विजिबल हैं बट फिर भी हम उसको रीड आउट करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल साइज फ्रूट्स एंड लार्ज साइज फ्रूट्स इन द सेम बंच. एक ही बंच में आपको छोटे साइज के फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, लार्ज साइज के फ्रूट्स भी दिख रहे हैं. ओके, क्लियर हो ना? ये लार्ज साइज का फ्रूट भी दिख रहा है और छोटे साइज के फ्रूट भी दिख रहे हैं एक ही गुच्छे में. दैट इज नोन एज हैन एंड चिकन डिसऑर्डर. और यहाँ पे जो फ्रूट का टेस्ट होगा वो सॉर होगा. ओके, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? मैनेजमेंट ऑप्शन बहुत सिंपल है. वजह है इसकी बोरोन डिफिशियंसी, तो इसलिए स्प्रे करेंगे बोरोन का, यानी बोरिक एसिड से यहाँ पे स्प्रे करते हैं. 0.2% बोरिक एसिड हम स्प्रे करेंगे अ वीक बिफोर ब्लूम एंड अनदर एट फुल ब्लूम कंट्रोल द डिसऑर्डर इफेक्टिवली. तो बिफोर ब्लूम यानी फूल आने से पहले और फूल आने के बाद हम यहाँ पे दो बार बोरिक एसिड का स्प्रे करेंगे. बोरिक एसिड का अमाउंट याद कर रखना है 0.2% बोरिक एसिड. Now here we are going to discuss the important